हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है इन शॉर्ट रिव्यू, जहां हम करते हैं रिव्यू एकदम शॉर्ट में। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। ये सीरीज आप देख सकते हैं सोनी लिव पे। ये कहानी है हर्षद मेहता की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन 1976 में पास आउट किया और उन्होंने शुरुआत में बहुत से छोटे छोटे काम किए। इसी दौरान उनकी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी बढ़ने लगी। 1980s में उन्होंने एक ब्रोकर के लिए जॉबर का काम शुरू किया। आगे जाकर 1984 में उन्होंने अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म ओपन की, जिसका नाम था ग्रो मोर। उनके स्टॉक मार्केट में हुए नाम की वजह से उन्हें अच्छे इन्वेस्टमेंट मिलने लगे और उसी दौरान RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक मैंडेट गाइडलाइन आई, जिसमें हर एक बैंक को एक मिनिमम अमाउंट के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यानी कि बॉन्ड्स लेना ज़रूरी था। ये करना बड़ी बैंक्स के लिए आसान था, बट छोटी बैंक्स के लिए ये दिक्कत की बात थी। तो छोटी बैंक्स इसलिए ऑडिट से पहले बड़ी बैंक से गवर्नमेंट बॉन्ड्स उधार में लेते और उन्हें एक अमाउंट इंटरेस्ट पे करती थी। बट ये करने के लिए बैंक को एक मीडिएटर यानी ब्रोकर की ज़रूरत थी, जिसमें ब्रोकर का काम है बायर बैंक को सेलर बैंक से मिलाना और सेलर बैंक को बायर बैंक से। हर्षद जो कि एक ब्रोकर थे, वो ये काम करने लगे। पर इस सिस्टम में हर्षद को लूपहोल्स मिले, जिसके चलते उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और पैसे कमाए। वो पैसे फिर वो स्टॉक मार्केट में लगाने लगे और मार्केट मैनिपुलेशन करने लगे। इस दौरान उन्होंने बहुत पैसे कमाए और पॉपुलर हुए। उन्होंने बॉम्बे के फेमस एरिया वर्ली में एक बड़ा घर लिया, जिसके अंदर स्विमिंग पूल और एक छोटा गोल्फ कोर्स था। उन्होंने इसी के साथ महंगी गाड़ियाँ भी खरीदी। बिजनेस टुडे मैगजीन में उन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी बोला गया था और न्यूज़पेपर में कई बार उनका जिक्र बिग बुल के नाम से किया जाता था। आखिर अप्रैल 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने उनके स्कैम को एक्सपोज कर दिया और न्यूज़ में पब्लिश कर दिया, जिसकी वजह से पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और हर्षद के इतने बड़े स्कैम की वजह से उनको जेल हो गई। तो इस स्कैम के बारे में और जानने के लिए आप ये सीरीज़ ज़रूर देखें। इस सीरीज़ को IMDb पे 9.5 रेटिंग है और इसका कंटेंट अंडर एज है, तो ये सीरीज़ आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।